तो गाइस जैसे कि अब पबजी मोबाइल जो है बचने के कोई भी चांसेस नहीं बचे हैं खेलने के लिए, मतलब कि हमारा पबजी मोबाइल अब जो परमानेंटली जो बैन होने वाला है, मतलब कि आप किसी भी नेटवर्क से आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यार अब क्या बताऊँ यार, मेरे पास देखो मेरा तो मतलब एक यही सोचना था कि मैं कम से कम 1000 क्लासिक के क्रेट्स मैं जमा करने वाला हूँ, लेकिन यार बस अब एक ये एक सपना ही रह करके, मतलब कि एक सपना ही रह गया यार, अब क्या बोलूँ। तो यार आज वैसे भी मैंने कहा चलो ठीक है बैन हो रहा है तो इससे पहले मैं क्रेट्स ओपनिंग कर लेता हूँ। तो टोटल मेरे पास 200+ क्रेट्स हैं, और क्लासिक सप्लाई और प्रीमियम के मिला करके साथ में एजी करेंसी भी अगर ऐड कर दें तो ये सारे क्रेट्स हैं मेरे पास, और इसको मैं ओपन करने वाला हूँ और देखते हैं हमको क्या क्या मिलता है। यार M416 ग्लेशियर, मेरे को पबजी मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ पसंद था, और एक ग्लेशियर स्किन और दूसरा मेरे को जोकर वाला आउटफिट, ठीक है, क्योंकि उसका इमोट काफ़ी जहर था और उस इमोट की वजह से मेरे को पूरे के पूरे पबजी मोबाइल में गन में सिर्फ मेरे को ये पसंद थी M416 ग्लेशियर, और इसके बाद आउटफिट में मेरे को वाला पसंद था, ठीक है, जोकर वाला। तो यार स्किन भी अच्छी खासी जमा कर ली थी मेरे पास, अच्छे खासे कलेक्शन हो चुके थे मेरे पास स्किन के, और USZ की स्किन की बात करें तो इसमें भी ठीक ठाक हो चुके थे, मतलब कि यार गाड़ी के 1-2-3 हो चुके थे लगभग, और बग्गी की 3-4 स्किन थी मेरे पास, तो लगभग सारी चीज़ें हो चुकी थी। और उसके बाद भी यार अगर पबजी मोबाइल बैन हो रहा था यार मेरे को बहुत खलरा, सही बता रहा हूँ मैं, और क्या कहूँ यार मेरे पास मतलब कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्रेड देख सकते हो मेरे पास, और 610 मेरे पास जो कार्ड भी है, मतलब करेक्टर वाउचर है। तो यहाँ पे मेरे पास 37 जो है सप्लाई का कूपन है, कूपन क्रेट है, और इसके अलावा एक मटेरियल भी मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने यही सोचा था यार 1000 करके क्लासिक क्रेट ओपन करेंगे, अगर एक तो आपको मतलब कि मुझे अगर मिल जाती है M416 तो यार 5-6 मटेरियल फ्री में मिल सकते थे, जो कि अब बहुत ही मुश्किल है। और पता नहीं यार इंडियन वर्जन आएगा और क्या होगा, पता नहीं हम लोग की सारी चीज़ें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं जानते हम। तो इसलिए मैंने कहा कि यार चलो इसको जो है ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो 163 मेरे पास सप्लाई स्क्रैप कूपन है, 384 मेरे पास क्लासिक स्क्रैप कूपन्स है, और इसके बाद प्रीमियम के भी मेरे पास 100 स्क्रैप कूपन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं प्रीमियम कर लेता हूँ, और सबसे पहले हम लोग प्रीमियम ही ओपन करने वाले हैं। तो चलो मैं सारे के सारे कंबाइन कर लेता हूँ। तो यार 384 में काफ़ी दिनों से इसको कर रहा था, और यार बहुत सब्र करना पड़ता है इसको मतलब कि जमा करने के लिए, कोई यूसी से भी क्रेट ओपनिंग मैं नहीं करता हूँ। हालांकि लास्ट में मैंने जो है इरादा बनाया था, और अपने दोस्त से मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर रहा था कि यार YouTube की सेकंड पेमेंट आई हुई है, क्या मैं उसे क्रेट ओपनिंग करूँ या मतलब कि स्पिन करूँ कि ना करूँ, और उसने भी यही बोला था कि अभी मत कर, कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है पबजी आगे चल के बैन हो जाए तो बहुत खलेगा। तो अच्छा हुआ मैंने नहीं किया यूसी से, और जो भी मेरे पास बचा हुआ तो आप देख सकते हो 53 हो चुके हैं, और यही सारा मैं ओपन करने वाला हूँ यार। बस भाई साहब मतलब कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, बस यार बहुत दुख हो रहा है कि यार पबजी की वजह से यार मैंने बहुत कुछ सीखा था, और यार यूट्यूब पे मैंने अर्निंग करी 2 बार, और 2 बार मेरे पास पेमेंट आई है। तो ये सारी चीज़ें यार बहुत खल रहा है, पिछले 3-4 सालों से मैं यूट्यूब पर मेहनत कर रहा था तो बहुत खलता है यार ये सब चीज़ें। और यार अब क्रेट बचा हुआ है तो मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाता हूँ, आप क्रेट ओपनिंग देखो, ठीक है, और जैसी ओपनिंग हो जाती है तो मैं लास्ट में भी मिलता हूँ।
तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने क्रेट्स ओपनिंग करी है और यार कुछ ख़ास चीज़ें नहीं मिली और डुप्लीकेट्स आइटम काफ़ी सारे हो गए, लगभग 2212 सिल्वर फ्रेगमेंट्स मिल गए। तो यार अगर ये पबजी बैन नहीं हुआ था तो ये काफ़ी काम के सिल्वर फ्रेगमेंट्स थे जिससे कि हम लोग स्क्रैप कूपन्स बना सकते थे। तो अभी यार अब क्या बोलूँ यार, ठीक है। तो क्रेट्स ओपनिंग में यार देखो ये एक आउटफिट मिला ये डायनामो वाला, और इसके बाद कुछ आउटफिट्स मिले हैं सप्लाई में भी, ये वाला फेस जोकर वाला जो है वो मिला है, और ये एक ये आप देख सकते हो हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है क्रॉसबो, तो इसकी स्किन एक मेरे को मिली है। और इसके बाद एक ये स्किन मिली है जो कि मिरामर मैं कम ही खेलता हूँ, ठीक है। तो ये स्किन्स मिली है और एक कार 98 की जो स्किन है वो अच्छी मिली है, ये वाली पीली वाली येलो कलर की, येलो ब्लैक है, ठीक है। तो ये एक अच्छी मिली, बाकी यार वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि ग्लेशियर खुलेगी, और अगर खुल जाती तो यार थोड़ा सा खुशी हो जाती यार, क्योंकि यार अपनी फेवरेट गन थी और ज़्यादातर लोगों को M4 ही पसंद है और हर आदमी उसको खेलना भी पसंद करता है पबजी में, ठीक है। और ये एक कैप मिली थी। तो यार कुछ ख़ास चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन चलो ठीक है यार, दिल की तसल्ली के लिए मैंने ओपन कर लिया क्योंकि रखे भी कोई फ़ायदा नहीं था। और यहाँ पे यार मेरे पास कुछ यूसी भी बचा हुआ है और मैं यही सोच रहा हूँ कि पूरी यूसी जो नील कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है और यार रॉयल पास तो ले नहीं सकते, और अभी तो लगभग 84-85 मेरे पास आरपी भी हो चुकी है, 100 नहीं हुई है। तो यहाँ पे यार यूसी बची हुई तो इसी को ओपन कर लेते हैं, शायद एक आध मटेरियल मिल जाए या फिर AKM मिल जाए, ठीक है। तो वैसे उम्मीद नहीं मिलने की, एक स्क्रैप कूपन्स मिला मेरे को और सबसे बेहतर चीज़ यही है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरी यूसी जो यहाँ पे स्पिन कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है स्पिन में। और फर्स्ट टाइम मैं इतनी ज़्यादा यूसी स्पिन में स्पिन कर रहा हूँ, वरना मैं कभी भी यूसी नहीं लगाता किसी भी क्रेट ओपनिंग में या स्पिन में। तो देख सकते हो आप लोग लक कितना ख़राब है, पेंट तो इतना ज़्यादा मिल रहा है भाई, इसका हम करने वाले कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं, पेंट्स आपके पास जितने हो जाए अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो बिल्कुल यूज़लेस है ये, किसी काम का नहीं है। तो पेंट तो ये काफ़ी दे रहे हैं और चूना तो लगाते ही हैं पबजी वाले, और अब खैर लगा पबजी वालों को भी चूना अब कायदे से लगा है, यहाँ पे बैन हो चुका है। इनको पहले ही चाहिए था कि जो टेंसेंट कंपनी को रिमूव कर देना चाहिए था। और यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा मैं खेल चुका हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा ही खेल चुका हूँ, ठीक है। तो यार अब देखो मिलता कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी आप कोशिश कर लो, जब तक कि 10-12 हज़ार यूसी इसमें नहीं लगाओगे आपको कोई भी मतलब कि अपग्रेडेड स्किन तो सवाल ही नहीं कि आपको मिल जाए। बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जिनका लक बहुत अच्छा होता है तो उनको मिलती है। तो यहाँ पे यार मेरे पास 15 यूसी बची है, तो इसको भी मैं यूज़ करने वाला हूँ और उसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कैरेक्टर वाउचर का। तो कैरेक्टर वाउचर में इन फ्यूचर कभी अगर यही आईडी हमारी जो दूसरे पब्लिशर के साथ आती है मे बी, तो यार ये काम आ सकती है। तो कैरेक्टर जब भी कोई नया कैरेक्टर आएगा तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर वाउचर ही काम आ जाए। और वैसे मेरे को ये भी बाद में आइडिया है कि यार कैरेक्टर वाउचर ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि यूसी मैंने ओपन करा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और यही करना चाहिए था। खैर अब तो हो गया और यहाँ पे यूसी स्पेंड करा तो मेरे पास आरपी कार्ड भी हो चुके हैं, तो कुछ मिशन बचे हुए हैं उसको भी स्किप कर लेते हैं। और 100 आरपी यार मूड नहीं है सही बताऊँ, और अगर करना चाहो तो मेरे लगभग सारे के सारे मिशन पड़े हुए हैं और ये क्रेट्स ओपनिंग की वजह से इतनी आरपी हो चुकी है, और अगर मैं करने पे आऊँ तो 100 से ज़्यादा मेरे पास आरपी मतलब कि आरपी हो जाएगी, और बस मूड नहीं करने का इसलिए मैंने किया नहीं इसे। यहाँ पे एक हेलमेट की स्किन हो चुकी है लगभग 84-85 के आसपास, 84 आरपी हो चुकी है। तो यार देखो कोई फ़ायदा नहीं है, और अभी 90 जो है हमारे पास यूसी बची हुई है, तो एक बार और कर लेते हैं इसको और देखते हैं क्या मिलता है। तो एक बार और सिल्वर फ्रेगमेंट मिला हम लोगों को 4, ठीक है। तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, और जाओ यार आप लोग भी कोई नया गेम अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कौन सा गेम बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए, जिस पे मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करना कि कौन सी वीडियो, किस गेम की वीडियो आप लोग देखना पसंद करोगे, ठीक है। तो यार वैसे तो अब पबजी देखते हैं कल क्या होता है, वैसे मुश्किल ही है, और पबजी KR भी ट्राई करेंगे या फिर पबजी के 1-2 वर्जन और हैं, वियतनाम और एक और भी कोई था इस टाइम सेहन से निकल गया, तो उसको भी ट्राई करेंगे, अगर चलता है तो उसको भी चला करके देखेंगे तो उस पर ही वीडियो बनाएंगे। तो यार यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर वाउचर, 30 कैरेक्टर वाउचर, ठीक है, वो काम ही आएंगे अगर यही आईडी हमारी ग्लोबल में फिर से इंडियन वर्जन के लिए वापस आती है। तो
तो यार पहली बार मैंने इतनी बड़ी वीडियो अपलोड करी है और इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई है। आप मेरा पूरा चैनल अगर छान मारोगे तो 20 से 21 मिनट की वीडियो कोई भी नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसी हो रही है जो कि वीडियो बड़ी हो रही है, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी क्रेट्स ओपनिंग भी नहीं की थी कभी, और मेरा टारगेट तो 1000 क्लासिक क्रेट का था। लेकिन छोड़ो यार, अब जो हो चुका वो हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी कोई गेम सजेस्ट करो कौन सा बेस्ट रहेगा, किस पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट करो, तभी मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करो, जो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर ऑन कर लेना। तो चलो मिलते अपने अगली वीडियो में कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स साथ, जब तक के लिए गुड बाय।